हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी पाई प्रेजेंट क्रिप्टो न्यूज़ #TooMoreWithDeFi। आज के क्रिप्टो न्यूज़ में हम बात करने वाले हैं जो SEC सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने रिपल के अगेंस्ट लॉ सूट फाइल कर रखा है उसके बारे में। इस लॉ सूट के अंदर SEC ने है काफ़ी सारे जो है एलिगेशंस लगाए हैं रिपल के अगेंस्ट कि वो लोग जो हैं अपने इन्वेस्टर्स को मिसलीड कर रहे हैं, उनका जो XRP टोकन है उसके प्राइस को मैनिपुलेट कर रहे हैं, और थर्ड कि जो XRP है वो एक सिक्योरिटी है ना कि एक करेंसी। इस पर जो क्रिस लार्सन जो कि एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है रिपल के, उन्होंने जो है अभी वेडनेसडे को एक मोशन फाइल किया है कि जो SEC ने उनके अगेंस्ट जो केस फाइल कर रखा है उसको डिसमिस कर देना चाहिए। इस पर जो क्रिस लार्सन के जो अटर्नीज हैं उन्होंने चार आर्ग्यूमेंट जो है इस फाइल के अंदर उन्होंने दिए हैं विद रीज़न कि क्यों SEC को ये जो केस है वो डिसमिस कर देना चाहिए। क्रिस लार्सन के जो अटर्नीज हैं उन्होंने बताया कि जो SEC है उनका कहना है कि जो क्रिस लार्सन है उन्होंने नोइंगली और रेकलेसली जो है सब्सटेंशियल असिस्टेंट जो है वो प्रोवाइड करी थी अदर रिपल टीम मेंबर्स को फॉर वॉयलेटिंग सेक्शन 5 ऑफ सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 1933। इस पर जो क्रिस लार्सन के जो लॉयर्स हैं उन्होंने ये कहा है कि उस टाइम पर जो क्रिस लार्सन है उनको ये नहीं पता था कि जो XRP है वो एक सिक्योरिटी है और जो भी रिपल के डिसीजंस हैं वो इनअप्रोप्रिएट हैं। और उन्होंने ये जो है एक प्रूफ के साथ भी उन्होंने सबमिट किया है कि जो जस्टिस डिपार्टमेंट और जो फिनसेन है उन्होंने उस टाइम पर जो XRP है उसको एक करेंसी जो है वो डिक्लेयर कर दिया था। तो इसीलिए जो क्रिस लार्सन के जो लॉयर्स हैं उनका कहना है कि जो SEC ने जो क्रिस लार्सन के अगेंस्ट जो केस फाइल कर रखा है उसको डिसमिस कर देना चाहिए। क्रिस लार्सन के साथ साथ गार्लिंग हाउस जो कि रिपल के CEO हैं उनके जो अटर्नी है मैथ्यू सी सोलोमन, उन्होंने भी जो है एक वेडनेसडे को ही एक लेटर जो है वो फाइल किया है। उसके अंदर उन्होंने दो आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं इन फेवर ऑफ CEO ऑफ रिपल, और उन्होंने कहा है कि जो SEC है उनको जो है CEO के अगेंस्ट जो उन्होंने केस फाइल कर रखा है उसको जो है डिसमिस कर देना चाहिए। उनका कहना है कि जो भी गार्लिंग हाउस ने XRP की सेल से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस लिए हैं वो उनका काम था एज अ हेड ऑफ कंपनी। ये थे सारे आर्ग्यूमेंट्स जो कि क्रिस लार्सन और जो रिपल ने जो है SEC को बताए हैं कि क्यों उन्हें जो है ये केसेस डिसमिस कर देने चाहिए। और आप लोग भी हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा कि क्या SEC को ये रिपल के अगेंस्ट जो लॉ सूट है उसको डिसमिस करना चाहिए या नहीं। अगर आप लोगों को इंडिया में डिफरेंट एक्सचेंजेस के ऊपर बिटकॉइन का प्राइस कंपेयर करना है तो विजिट कीजिए हमारे प्लेटफॉर्म hodlinfo.com पर, जिसका लिंक आपको राइट साइड पर मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में जानकारी चाहिए तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट finsea.in पर, जिसका लिंक आपको राइट साइड पर मिल जाएगा। तो ये थी आज की हमारी क्रिप्टो न्यूज़। अगर आप लोगों को ये न्यूज़ पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फिन स्ट्रीट। थैंक यू।